You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many... यो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। और भाई आज हम खेलने वाले मैक करीना, और मैक करीना में आज हम क्या करने वाले, एक नया हैक ढूंढने वाले। मजा कर रहा हूँ भाई, हैक नहीं है वो, एक नया ग्लिच है, नया नहीं है, शायद से पुराना भी हो सकता है। तो सिंपली हम इस ग्लिच में क्या करने वाले, एक दूसरे को हम दीवार के आर पार, हर एक ऑब्स्टेकल के आर पार मारने वाले। यस वी कैन डू इट इफ वी डिड इट एट द राइट वे। छोड़ो भाई इंग्लिश को, रहने ही दो मेरी इंग्लिश तो, रहने ही दो। तो देखो भाई, अभी आप देख सकते हो कि हम बराबर से एंगल देकर एकदम सही डायरेक्शन में अगर फायर करें तो लिटरली मैं सामने 16 लोग है उसको मार पा रहा हूँ भाई। ये बहुत ही अजीब सा ग्लिच है। तो भाई ठीक है, अभी के लिए तो मैं ये मतलब हम एक्सचेंज कर रहे हैं जगह। अब देखते हैं कि हम अपोनेंट से मतलब देखते जो मर रहा होता है बंदा। शिट, ऊपर क्यों चल रहा हूँ मैं, जो मरने वाला बंदा होता है। अरे यार क्या चल रही है, जो मरने वाला बंदा होता है उसको मतलब कैसा व्यू दिखता है। तो देखो गाइस, लिटरली वो बक्से के आर पर आर ये 16 लोग की आर टॉरेंट आ रही है और मुझे डैमेज हो रहा है। पता नहीं कैसे ये नया ग्लिच ढूंढ लिया, और ये ग्लिच हमें पता कैसे चला पता है, हम ऐसे ही नॉर्मली एक दूसरे से 1v1 वगैरह वगैरह हम करते रहते हैं, तो वैसे ही कर रहे थे प्रैक्टिस, एक दूसरे से लड़ रहे थे और अचानक से 16 लोग अपनी ये हम दोनों ही ये नहीं 16 लोग सर स्टॉकर लेके था और मैं था आर्क टर्न। तो सिंपली क्या हुआ, हम दोनों वहाँ ये ऊपर के टॉप पर खड़े हुए थे और सामने 16 लोग तो बाहर निकलने से रहा, मैं बस ऐसे ही हल्का फुल्का सा बाहर निकल के एक हाथ से आर्क टॉरेंट चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक से देखा कि लिटरली उसको डैमेज पड़ रहा है, जबकि वो मुझे देखो अभी कैसे ही 16 लोग इनविजिबल है ना, हम उसकी वो थोड़ी बहुत बॉडी हवा निकली हुई देख सकते हैं, लेकिन वो रेड कलर का ब्लॉक नहीं आ रहा है। सेम वैसी चीज़ थी स्टॉकर के साथ, वो वहाँ पर खड़ा था लेकिन फिर भी मैं डैमेज दे पा रहा था उसे। ये देखो ऐसे सेम यही चीज़ हुई थी, देखो अभी देख रहे हो यही चीज़ उस टाइम हुई थी। तो तब हमने सोचा कि भाई 1v1 गया भाड़ में, हमें तो भाई कंटेंट मिल गया, कुछ तो भाई सी चीज़ मिल गई। तो हमने भाई रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। देखो गाइज हैक्स, ट्रिकिंग हैक्स, देख रहे हो कस सही हैक ढूंढ के ला दिया हमने तुम्हारी। तो गाइज देखो, अभी ये मैच में तो हम बस ट्राई कर रहे थे इसलिए इतना कुछ बढ़िया जमा नहीं, लेकिन नेक्स्ट मैच में भाई बहुत बहुत ज़्यादा ही कड़क लेवल का हुआ ये ग्लिच परफॉर्म। तो ठीक है नेक्स्ट मैच में भाई, चलो भाई सीधा नेक्स्ट मैच पे चलते हैं। सो गाइज अब हम नेक्स्ट मैच में आ गए हैं और मेरा गेम बहुत ही घटिया लेवल का लैग हो रहा है। तो अब चलो भाई अपने अपने ठिकाने ले लेते और करते ये व्हाट द हेल, ये मुझे भी नहीं पता इसने क्यों चिपकाया मुझे इस जगह। ओके तो फालतू में टाइम पास हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। चलो भाई अभी देखो सिंपली मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि सामने ये सिर्फ वो सामने वाला बंदा हमें नहीं मार सकता है, हम भी यहाँ से छुपते हुए सामने वाले को मार सकते हैं। यही हम ट्राई कर रहे थे कि ये हम कर पाते या नहीं, और ये लिटरली वर्क कर गया गाइज। यस तो अभी देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ 16 लोग को मारने का। 16 लोग लिटरली एक जगह पे खड़ा है और मैं यहाँ से ये बॉक्स के एकदम दोनों जो बॉक्स है ना उनके सेंटर से देखो एक छोटी सी गैप दिख रही होगी, वहाँ से शूट करने का ट्राई करो 100% मतलब 100% नहीं, बहुत मुश्किल से ये देखो ऐसे बुलेट चली जाती है तो हम मार पाते हैं भाई। बस एक जगह पे छुपे रहो और सामने वाले बंदे को मार दो, और सामने वाला बंदा इतना गधा तो होगा नहीं कि वो एक ही जगह पे खड़ा रहे बस। तो अब हम एक्सचेंज करते हैं अपनी जगह और देखते हैं कि मरने वाला जो बंदा होता है उसे कैसा फील होता है। तो देखो गाइस, वाह पहले ही लग गई मेरी, तो लग मेरे तो एम होने में ही टाइम लेता है, उसका लग भी गया, वाह देख रहे हो। वेट वेट वेट, ओके लेट्स गो। देखो भाई नहीं लग रही, मार दो भाई, कब तक मारोगे, कल तक।
और हाँ, ये लिटरली ऐसी ये ऐसा ग्लिच बिल्कुल नहीं है जो कि हर मैच में हर ही बार काम करे। ये मुश्किल से बहुत ज़्यादा प्लानिंग के बाद काम करता है गाइस। सेम वो रॉकेट मोटर वाली चीज़ थी ना कि हाँ भाई ऊपर एक बंदा है, उस वो बहुत बहुत ही ज़्यादा क्लोज रेंज में आ गया है तो उसको कैसे मारे, तो उस टाइप की चीज़ है ये। एकदम फुल प्लानिंग के साथ बहुत टाइम के बाद ही हम एक दूसरे को मार पाते हैं अगर ये ग्लिच की वजह से। ओके, तो ये मत बोलना कि भाई मेरे लिए काम नहीं कर रही, ऐसा कुछ नहीं भाई, ये ग्लिच है और ये बस कुछ गिने चुने बंदों के लिए एकदम सिचुएशन पे डिपेंडेंट ग्लिच चाहिए, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दो भाई, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।